हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग एथिलीन के डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम लोग एथिलीन के डेरिवेटिव विनाइल क्लोराइड के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग नेक्स्ट डेरिवेटिव जो है विनाइल एसीटेट, उसके बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि जब एथिलीन के डेरिवेटिव्स का कंजम्पशन पैटर्न देखा था तो देखा था कि मोर देन 50% एथिलीन जो यूज़ होती है डायरेक्ट पॉलीमराइजेशन में पॉलीथिलीन बनाने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेजर कंजम्पशन था 15% था आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड में। उसके बाद फिर है ग्लाइकॉल में, एथिलीन ग्लाइकॉल में फिर देखा था कि ओनली 3% ऑफ द एथिलीन वॉज यूज फॉर द विनाइल एसीटेट प्रोडक्शन। तो इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नहीं इन कंपेरिजन टू पॉलीविनाइल क्लोराइड या एथिलीन ऑक्साइड के कंपैरिजन में, तो इसलिए हम लोग इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो ये क्या है कि एक डेरिवेटिव है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट सिंस 72.7 डिग्री सेल्सियस होता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है। और एक इंटरमीडिएट है जो यूज़ किया जाता है कहाँ पे, पॉलीविनाइल अल्कोहल के फॉर्मेशन में, पॉलीविनाइल एसीटेट के और पॉलीविनाइल ब्यूटायल के फॉर्मेशन में यूज़ होता है एज ए इंटरमीडिएट। तो कंजम्पशन पैटर्न जब इसका देखा गया इंडिया में, इसका कैसा कंजम्पशन पैटर्न है, तो सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 50% देखा गया जो इसका कंजम्पशन है पॉलीविनाइल एसीटेट के फॉर्मेशन में है, जो इमल्सन एंड रेजिन के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद जो मेजर प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट 25% ये यूज़ होता है पॉलीविनाइल एल्कोहल के प्रोडक्शन में। फिर जो माइनर यूजेज़ हैं एथिलीन विनाइल एसीटेट 10% यूज़ होता है, जो अदर यूजेज हैं वो ऑलमोस्ट 15% हैं। तो बेसिकली इसका जो मेजर एप्लीकेशन है, मेजर यूज़ है, तो पॉलीविनाइल एसीटेट बनाने में यूज़ होता है और पॉलीविनाइल अल्कोहल बनाने में यूज़ होता है। अब इसके प्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड्स हैं, तो जो अर्लियर मेथड था इस वहाँ पे ये एसिटिलीन का यूज़ होता था, जो सेकेंड मेथड यहाँ पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया है ब्रीफली, तो एसिटिलीन मेजर रूट था पहले। एसिटिलीन को जो है ना एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराते थे तो आपका विनाइल एसीटेट या इथाइल एसीटेट बनता था, लेकिन क्योंकि एथिलीन के डेवलपमेंट के वजह से या जो कॉस्ट है एथिलीन की कम होती है इन कंपैरिजन टू एसिटिलीन, तो जितने भी एसिटिलीन के बेसिस पे एसिटिलीन रूट के प्रोडक्शन प्रोसेसेस थे ज़्यादातर रिप्लेस हो गए हैं एथिलीन के प्रोडक्शन से। तो जो एथिलीन से हम लोग कैसे बनाते हैं, तो एथिलीन से बनाने के भी दो तीन तरीके जो हैं। तो जो सबसे पहला प्रोसेस है वो विनाइल एसीटेट की रिएक्शन कराते हैं हम लोग। विनाइल एसीटेट फॉर्मेशन के लिए हम लोग एथिलीन की रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एसिड से, और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उसमें जो पहले के प्रोसेसेस थे उसमें एक्चुअली जो प्रोसेसेस में चेंजेस आए हैं वो डेवलपमेंट ऑफ द रिएक्टर के बेसिस पे चेंजेस आए हैं। तो पहले जो प्रोसेसेस थे, जैसे बेयर्स ने डेवलप किया था प्रोसेस ये, तो वहाँ पे एसिटिलीन यूज़ होता था और कैसलेस फिक्स बेड आपका रिएक्टर होता था। तो वहाँ पे पैलेडियम या गोल्ड जो है नोब, ये जो आपका कॉस्टली कैटलिस्ट नोब यूज़ होते थे, तो पैलेडियम यूज़ होगा या गोल्ड यूज़ होगा और क्यूप्रिक क्लोराइड आपका, तो ये कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो रिएक्शन जब होती है तो आपका ये विनाइल एसीटेट फॉर्म हो जाता है। जो नए प्रोसेसेस हैं वहाँ पे जो मेजर डेवलपमेंट हुए हैं वो आपके रिएक्टर में हुए हैं, फ्लूडाइज बेड रिएक्टर यूज़ होने लगे हैं। तो ये जो प्रोसेस है आपका एथिलीन की एसिटिक एसिड से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है, और वहाँ पे पैट के प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, कैटलिस्ट में है, पैलेडियम यूज़ करेंगे या गोल्ड यूज़ करते हैं, कहीं कहीं क्यूप्रिक क्लोराइड, इनका कॉम्बिनेशन जब यूज़ करते हैं तो ये रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन दोनों फेजेस में हो सकती है, लिक्विड फेज रिएक्शंस में लिक्विड फेज रिएक्शन भी होती है और गैसियस फेज रिएक्शन भी होती है। तो जो मेजर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं वहाँ पे लिक्विड वेपर फेज रिएक्शंस यूज़ की जाती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विनाइल एसीटेट। तो ये बेसिक ब्रीफ डिस्कशन था विनाइल एसीटेट के बारे में। एसिटिलीन रूट अब ऑब्सोलीट हो चुका है क्योंकि कॉस्ट जो है एथिलीन की एसिटिलीन से कम आती है,
दैट इज़ वाई जो प्रोसेस अब हैं या जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं या जिसके बेसिस पे प्रोडक्शन हो रहा है, प्लांट हैं, वो सब एथिलीन के बेसिस पे हैं, और या तो वेपर फेज ऑक्सीडेशन हो रहा है या लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है, वो कैटलिस्ट यूज़ होता है पैलेडियम क्यूप्रिक क्लोराइड। तो ये ब्रीफ था विनाइल एसीटेट का। अब हम लोग जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है एथिलीन का, जिसका 6-7% टोटल एथिलीन का जो है कंजम्पशन उसमें होता है, विनाइल आपका इथाइल ऑक्साइड या एथिलीन ऑक्साइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इथाइल ऑक्साइड है, एथिलीन ऑक्साइड भी कहीं कहीं ये लिखा हुआ मिल सकता है। तो एथिलीन ऑक्साइड का मॉलिकुलर वेट 44.05 होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है माइनस में -111.7 डिग्री सेल्सियस है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑलमोस्ट 10 डिग्री सेल्सियस है। तो जो रूम टेम्परेचर पे एथिलीन क्या होगी, कलरलेस गैस है, लेकिन जब टेम्परेचर हम लोग इसका कम करेंगे, जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, एथिलीन ऑक्साइड ये लिक्विफाई हो जाएगी, और लेस देन 12 डिग्री सेल्सियस अगर हमने टेम्परेचर इसका कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट जो है उससे कम ऑलमोस्ट उसके बराबर कर दिया, 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये जो है ना लिक्विफाई हो जाती है। तो एंड इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड इट्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो जो इसकी सॉल्युबिलिटी है, इसकी वजह से इसके एप्लीकेशंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ये क्या होगी, कलरलेस गैस होगी, लिक्विफाई हो जाती है जब हम लोग टेम्परेचर इसका कम करते हैं, टेम्परेचर जो है कम करते हैं 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास पे। जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं या जो डेरिवेटिव्स जिसके लिए मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है एथिलीन ऑक्साइड, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है एथिलीन ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल्स हैं उसमें MEG है, मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल है, DEG है, डाई एथिलीन ग्लाइकॉल है, TG ट्राई एथिलीन ग्लाइकॉल और पॉली एथिलीन ग्लाइकॉल है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो एथिलीन ऑक्साइड का, एथाइल ऑक्साइड का है, वो ग्लाइकॉल्स के फॉर्मेशन में है। दूसरे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, ग्लाइकॉल ईथर हो सकता है, जिसको एथिलीन ऑक्साइड और एल्कोहल के रिएक्शन से बनाते हैं। वन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका है एथेनॉल अमीन के फॉर्मेशन में। और जो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग इसका देखें कंजम्पशन पैटर्न क्या है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उसके बाद सर्फेक्टेंट इंडस्ट्री में। तो डिपेंडिंग अपॉन जियोग्राफिकल पोजिशन, लोकेशन ऑफ द कंट्री और इन्वायरमेंट वहाँ पे कैसा है, उसके बेसिस पे एथिलीन ऑक्साइड का कंजम्पशन है। जैसे कोल्ड कंट्रीज़ में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, माइनस में हो जाता है टेम्परेचर इन द सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम, सर्टेन मान लीजिए सीजन में, तो वहाँ पे एथिलीन ग्लाइक जो आपका ये एथिलीन ऑक्साइड है वो यूज़ करते हैं एज एंटी फ्रीज, फ्रीजिंग से प्रिवेंट करने के लिए। हो सकता है वो आपके ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं या रेडिएटर्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि वाटर अगर यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो फ्रीज़ हो जाए जो रेडिएटर्स में यूज़ करें, तो हम लोग उसकी जगह पे दूसरे जैसे एथिलीन ऑक्साइड यूज़ करेंगे, वो तो वहाँ पे फ्रीज़ नहीं होता है। तो जो कंजम्पशन पैटर्न है अगर उसकी बात की जाए, तो मेजर कंजम्पशन जो इसका है वो मोर देन 65% जो पूरा एथिलीन ऑक्साइड है वो यूज़ होता है ग्लाइकॉल के फॉर्मेशन में, चाहे MEG हो, चाहे DEG हो, चाहे TEG हो, चाहे पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल हो। उसके बाद जो मेजर कंजम्पशन है वो सर्फेक्टेंट इंडस्ट्री में है। फिर जो माइनर एप्लीकेशंस हैं वो अदर पेट्रोकेमिकल के फॉर्मेशन में, जैसे हम लोग मोनोएथिलॉन एथेनॉल अमीन में और अदर्स, जो 7% है एथेनॉल अमीन्स में है, तो वन ऑफ द मेजर ये भी मान लीजिए कि तीसरा अगर कंजम्पशन के पैटर्न पर देखें तो तीसरा बड़ा कंजम्पशन है आपका एथिलीन ऑक्साइड का। अदर पेट्रोकेमिकल्स के फॉर्म में के भी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है 7% के आसपास है। जो मिसलेनियस हैं उसमें सब कुछ मिला के 8% के करीब है। तो सबसे ज़्यादा मतलब मेजर कंजम्पशन अगर इसका देखा जाए तो वो एथेनॉल अमीन के लिए, सॉरी वो ग्लाइकॉल के लिए यूज़ होता है। उसके बाद एथेनॉल अमीन, उसके बाद सर्फेक्टेंट के लिए यूज़ होता है, फिर एथेनॉल अमीन कह सकते हैं या अदर पेट्रोकेमिकल का। तो किस फॉर्म में यह यूज़ होता है, जैसे अगर ग्लाइकॉल के को भी हम यूज़ कर रहे हैं, अगर ग्लाइकॉल फॉर्म कर रहे हैं
तो किस फॉर्म में होगा, या एथेनॉल अमीन फॉर्म कर रहे हैं तो किस फॉर्म में होगा। तो जो एथेनॉल अमीन है वो डिटर्जेंट में यूज़ होता है, सोप में फॉर्मेशन में यूज़ होता है, या सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट एथेनॉल अमीन यूज़ होता है बहुत ज़्यादा आपकी इंडस्ट्री में, और ख़ास तौर से पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। फिर मोनोएथिलीन ग्लाइकॉल की बात करें तो पॉलिस्टर के फॉर्म में यूज़ होता है, पीटी बॉटल्स के फॉर्मेशन में यूज़ होता है, फिल्म के पैकेजिंग, फिल्म्स भी कह सकते हैं यूज़ होता है फिल्म्स में। डाइथिलीन ग्लाइकॉल का कहाँ यूज़ होता है, कूलेंट की तरह यूज़ किया जाता है ये, पेस्टिसाइड के फॉर्मेशन में, पेस्टिसाइड के फार्मूलेशन में यूज़ होता है ये, रबड़ के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, एज ए प्लास्टिसाइजर यूज़ होता है, एल्काइल के रेजिंस में भी यूज़ होता है। फिर जो मेजर इसका एप्लीकेशन था कि जो ग्लाइकॉल फॉर्म करे, सो उसमें ट्राई एथिलीन ग्लाइकॉल है, वो नेचुरल गैस की कंडीशनिंग में होता है, ट्रीटमेंट जब हम लोग नेचुरल गैस का करते हैं उसके पहले कंडीशनिंग करनी पड़ती है उसकी, तो नेचुरल गैस कंडीशनिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है, प्लास्टिसाइजर की तरह यूज़ होता है। और जो हैं इसके प्रोडक्ट के हैं एथिलीन ऑक्साइड के, जैसे पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल हो सकता है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट की तरह यूज़ ये हो सकता है आपका, ग्लाइकॉल ईथर की तरह यूज़ हो सकता है, के फॉर्मेशन में यूज़ होता है, के तरह नहीं के फॉर्मेशन में यूज़ होता है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली देखा कि एथिलीन ग्लाइकॉल जो है नॉर्मली ये होता है आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में होता है। जैसे हम लोग इसका अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो ये रूम टेम्परेचर पे वेपर के फॉर्म में होता है, टेम्परेचर हम लोगों ने कम किया तो ये लिक्विड फॉर्म में भी हो जाता है। मेजर यूज़ जो है ना एथिलीन ग्लाइकॉल, जो उसमें MEG भी आता है, DEG भी आता है और TEG भी आता है। उसके बाद एथेनॉल अमीन है जो एज सर्फेक्टेंट की तरह यूज़ होता है, ये इसका एप्लीकेशन जो है। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट है, तो इसके दो प्रोसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग के, एक क्लोरोहाइड्रिन प्रोसेस है और दूसरा जो है डायरेक्ट ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो जो पहले प्रोसेस थे शुरू में डेवलपमेंट हुआ एथिलीन ऑक्साइड का, तो वहाँ पे क्लोरोहाइड्रिन प्रोसेस यूज़ किया जाता था। उस प्रोसेस में क्या होता था कि एथिलीन को हम लोग रिएक्ट करते थे क्लोरीन से और वाटर से, तो हम लोग को एक एक्वस सॉल्यूशन मिलता था, किसका, एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन का। उसके बाद जो है ना हम लोग इसकी रिएक्शन करा देते थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो रिएक्शन करा देंगे तो ये हम लोग को मिल जाता था एथिलीन ऑक्साइड। तो पहले रिएक्शन क्या होगी, क्लोरीन है वाटर से है, तो हम लोग पहले HOCl क्लोरीन की रिएक्शन हुई वाटर से, पहले HOCl फॉर्म हुआ फिर HCl फॉर्म हुआ यहाँ पे। अब जो है HOCl बेसिकली रिएक्ट करता है एथिलीन से तो आपका क्लोरोहाइड्रिन बन जाएगा, और फिर जब ये क्लोरोहाइड्रिन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो एथिलीन ऑक्साइड बन जाएगा, फिर कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। अब ये प्रोसेस फेल क्यों हुआ या प्रोसेस ये रिप्लेस क्यों हो गया, तो इसके दो रीजंस हैं बेसिकली इसके रिप्लेसमेंट के। एक इशू तो ये है कि क्योंकि ये HCl जनरेट हो रहा है तो वो कोरोजन क्रिएट करेगा इक्विपमेंट्स का, तो एक चैलेंज तो ये है कि HCl यूज़ हो रहा जनरेट हो रहा है रिएक्शन के दौरान, और दूसरा है कि आप जो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हुआ ना उसका डिस्पोजल एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं है कैल्शियम क्लोराइड का, तो वहाँ पे इस प्लांट में हम लोग को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। तो इन दो चैलेंजेस की वजह से ये क्लोरोहाइड्रिन प्रोसेस जो है ये रिप्लेस हो गया जो है दूसरे प्रोसेस से। दूसरा प्रोसेस क्या है, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन। इसमें क्या करते हैं कि एथिलीन लेते हैं, एथिलीन क्योंकि हम लोग एथिलीन कहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेफ्था की क्रैकिंग से बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं नेचुरल गैस से, तो चांसेस है कि वहाँ पे सल्फ़र कंपाउंड हो, तो सल्फ़र कंपाउंड को पहले हम लोग रिमूव कर देंगे, उसके बाद फिर ऑक्सीजन लेते हैं। बेसिकली अगर एयर यूज़ कर रहे हैं तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि एयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, लेकिन अगर ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो ऑक्सीजन लेते हैं जो एयर से सेपरेट कर लेते हैं और उनको रिएक्ट कराते हैं, लेकिन ये रिएक्शन नॉर्मली नहीं होती, इसके लिए एक स्पेशल कैटलिस्ट हम लोग को यूज़ करना पड़ता है, और वो स्पेशल कैटलिस्ट क्या है, सिल्वर ऑक्साइड है, और उसके साथ हम लोग एक कैरियर भी यूज़ करते हैं सिल्वर ऑक्साइड को जो है ना, एक नॉन रिएक्टिव कैरियर यूज़ किया जाता है उस पे, तो फिर हम लोग ये रिएक्शन कराते हैं, ये कैटलिस्ट बनाते हैं।
और वो जो कैरियर यूज़ करते हैं वो एल्यूमिना होता है ज़्यादातर केसेस में। तो सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट इस प्रोसेस की खासियत है, सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और आपका ये इथिलीन ऑक्साइड बनता है। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें है कि साइड रिएक्शन भी हो जाती है, एक रिएक्शन ये होगी और दूसरी रिएक्शन जो है दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है ऑक्सीजन है तो हमेशा चांसेस हैं कि अगर ऑक्सीजन जहाँ पे मिलेगी तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा CO2 प्लस H2, ये भी एक साइड रिएक्शन है जो इस रिएक्शन के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो बेसिकली दो प्रोसेसेस देखे हमने, एक क्लोरोहाइड्रिन प्रोसेस है, क्लोरोहाइड्रिन प्रोसेस में किससे क्लोरीन और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो पहले क्लोरोहाइड्रिन बनता है लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस प्रोसेस में जनरेट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि आप इसका एसिडिक नेचर है और ये कोरोजन क्रिएट करता है तो हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है या प्रोसेस के लिए अच्छा नहीं होता ये बोले। और कैल्शियम क्लोराइड जनरेट होता है रिएक्शन में, वो बाई प्रोडक्ट है, उसका ज़्यादा यूज़ नहीं तो उसको डिस्पोज करना एक बड़ा चैलेंज है। तो दो चैलेंजेस हैं क्लोरोहाइड्रिन प्रोसेस में, इसीलिए प्रोसेस जो है ज़्यादा अब यूज़ नहीं किया जाता, अब यूज़ डायरेक्ट ऑक्सीडेशन यूज़ होता है। तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या करते हैं कि क्लोरीन एथिलीन की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, लेकिन प्रेजेंस होनी चाहिए कैटलिस्ट, स्पेशल कैटलिस्ट है आपका सिल्वर, सिल्वर ऑक्साइड, और वो आपका सिल्वर एल्यूमिनिया के प्रेजेंस में कैरियर एज यूज़ करते हैं, रिएक्शन होती है, एथिलीन ऑक्साइड बनता है। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है उसमें एक साइड रिएक्शन होती है, तो साइड रिएक्शंस की वजह से ये इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो इस प्रोसेस की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें टेम्परेचर का कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कई जगह टेम्परेचर का मेज़रमेंट करते रहते हैं कि कहीं पे टेम्परेचर का वेरिएशन ज़्यादा ना हो, और टेम्परेचर जो हमारी रिक्वायरमेंट है जैसे 250 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है, तो उससे ज़्यादा ना हो कहीं पे भी टेम्परेचर। और टेम्परेचर ज़्यादा है और क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इसलिए हीट का जो कंट्रोल है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है इस प्रोसेस में। तो अब हम लोग प्रोसेस डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि इसको हम लोग एक डायरेक्ट ऑक्सीडेशन मेथड से कैसे प्रोड्यूस करते हैं। एथिलीन और एयर के मिक्सचर्स को, क्योंकि हमारे रॉ मटेरियल हैं, रिएक्टेंट हैं एथिलीन और एयर, तो एथिलीन और एयर को हम लोग सेपरेटली जो है ना कंप्रेस करते हैं। एथिलीन की यहाँ पे जो रिएक्टेंट ले रहे हैं वहाँ पे प्योरिटी 95-98% प्योरिटी है, और इसको हम लोग एथिलीन और एयर को सेपरेटली कंप्रेस करते हैं। और जो रिसाइकिल होके आपकी मान लीजिए आ रही है जो रिएक्टेंट है एथिलीन और एयर का मिक्सचर है उसमें मिक्स करते हैं, और उसके बाद इसको रिएक्टर में ले जाते हैं इस स्ट्रीम को। तो आपका सवाल यहाँ पे हो सकता है कि एथिलीन और एयर को हम लोग सेपरेटली क्यों कंप्रेस कर रहे हैं, दो कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं, एक ही कंप्रेसर से हमारा काम क्यों नहीं चल जाएगा। तो इस एक्चुअली ये इशू है कि एथिलीन और एयर का मिक्सचर जो है ना सर्टेन लिमिट्स में एक्सप्लोजन हो जाता है। तो अगर हम लोग कंप्रेस करेंगे एक ही कंप्रेसर में तो इस बात का हम लोग को डर रहेगा या इस बात के चांसेस हैं कि एक्सप्लोजन हो जाए, तो इसलिए हम लोग यूज़ नहीं करते हैं एक कंप्रेसर। तो एथिलीन और एयर को हम लोगों ने कंप्रेस किया और उसके बाद हम लोग रिएक्टर में ले जाएंगे। रिएक्टर में क्या होता है, रिएक्टर में एक ट्यूबुलर रिएक्टर होता है, फिक्स बेड रिएक्टर होता है। तो फिक्स बेड का मतलब एक मान लीजिए बेड है उसमें वो फिक्स है, उसमें कैटलिस्ट भरा हुआ है। तो कैटलिस्ट आपके ट्यूब्स जो हैं उसमें कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट हम लोग क्या जानते हैं कि सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट होता है, लेकिन वो किस पे सपोर्ट उसको चाहिए, तो एक कैरियर जो वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग इसमें, टेक्निकल वर्ड जो है कैरियर यूज़ करते हैं एल्यूमिना का। तो सिल्वर ऑक्साइड होता है एल्यूमिना एज ए कैरियर यूज़ किया जाता है, वो ट्यूब्स में होता है और हम लोग जो है ना रिएक्टेंट जो हैं रिएक्टेंट को हम लोग ट्यूब्स के थ्रू पास करते हैं। ट्यूब्स के थ्रू पास करेंगे तो रिएक्शन होगी, रिएक्शन होती है 250 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो फिर हम लोग को पास चैलेंज ये आ गया कि अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए इसका, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो रिएक्शन साइड रिएक्शंस होने लगेंगी। तो अब टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे करें, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम लोग इसमें वाटर जो है सर्कुलेट कर दें।
वाटर सर्कुलेट कर देंगे, तो वाटर का कम टेम्परेचर रहता है, वो जो है आपकी जो जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है उसको वो कंट्रोल कर लेगा। लेकिन इसमें एक्चुअली वाटर नहीं यूज़ करते हैं, एक दूसरा लिक्विड यूज़ करते हैं, क्योंकि वाटर जो है वहाँ स्टीम बन जाएगा और रिएक्टर के अंदर बन जाएगा, तो जो है टेम्परेचर हो सकता है उतना प्रॉपर कंट्रोल ना हो, क्योंकि हमने अभी ही देखा कि इस प्रोसेस में टेम्परेचर का कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, हीट का कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इसमें जो स्पेशल है इस रिएक्शन के बारे में, एक डाउन थर्म फ्लूइड यूज़ करते हैं। डाउन के मतलब नीचे, थर्म का टेम्परेचर, जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है, एक ऐसा फ्लूइड यूज़ करते हैं। तो डाउन थर्म फ्लूइड, पहली बात तो होता क्या है, तो डाउन थर्म फ्लूइड क्या है, एक्चुअली दो फ्लूइड का मिक्सचर है, किसका, बाईफिनाइल ऑक्साइड और डाईफिनाइल ऑक्साइड का। तो वो एक मिक्सचर है, और वो जो जो हमारा रिएक्शन कंडीशन है, रिएक्शन कंडीशन क्या है, रिएक्शन कंडीशन 250 to 300 डिग्री सेल्सियस तक है टेम्परेचर, तो वहाँ तक ये स्टेबल है ये प्रोडक्ट। तो क्या करते हैं ये, मतलब लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, हीट जो है कंट्रोल कर लेते हैं, हीट एक्सचेंज कर लेते हैं हम लोग। इसको जो ट्यूबलर रिएक्टर है, तो ट्यूब में तो हमारे रिएक्टेंट्स आ रहे हैं, जो एक बाकी जो स्पेस बचा होगा रिएक्टर के अंदर उसको शेल बोलते हैं हम लोग। तो शेल साइड में हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, वहाँ से जो वहाँ से ये हीट एक्सचेंज कर लेता है। जब ये हीट एक्सचेंज कर लिया, तो हीट एक्सचेंज करने के बाद फिर हम लोग, ये हाई टेम्परेचर इसका हाई हो गया तो हम लोग को फिर कूल करना पड़ेगा। तो कूल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको एक मान लीजिए बॉयलर फीड जो है एक इसमें ले जाते हैं, वहाँ पे इससे जो है वाटर पास करते हैं, एक टाइप का हीट एक्सचेंजर ही है। तो यहाँ पे वाटर पास करते हैं, तो वाटर जो है, क्योंकि ये टेम्परेचर इसका अब ज़्यादा हो गया है, तो वो वाटर भी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और अपना जो आपका डाउन थर्म लिक्विड है वो कूल हो जाता है। तो ये डाउन थर्म का क्या एप्लीकेशन था, कि डाउन थर्म टेम्परेचर, डाउन थर्म फ्लूइड जो है आपका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता था, उसको शेल साइड में रिएक्टर के डालते हैं, और उसके बाद फिर उसको हीट एक्सचेंज कर लेते हैं बाहर वाटर से, वो वाटर से स्टीम बन जाता है, स्टीम हम फर्दर यूज़ कर लेते हैं। दूसरा इशू इसमें यह है कि साइड रिएक्शंस जो हो रही हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कभी कभी जो है सप्रेसिंग एजेंट जैसे एथिलीन डाइक्लोराइड भी यूज़ करते हैं, इसमें रिएक्टेंट के साथ मिक्स कर देते हैं, जिससे आपकी साइड रिएक्शंस ना हो। जो आपका डाउन थर्म फ्लूइड होता है कि उसको डिटेक्ट करने के लिए लीक वगैरह तो नहीं है, उसको कभी कभी हम लोग इसमें जो है एजेंट मिला देते हैं, या कहीं ऐसा केमिकल मिला देते हैं जो उसके कलर को आइडेंटिफाई करता है। तो कभी कभी येलोइश कलर का आपको एक केमिकल मिला देते हैं, जिससे इसके लीक वगैरह के कहीं डिटेक्शन है तो उसको वो कवर कर लेता है। तो ये रिएक्शंस किस में, फिक्स बेड कैटलिस्ट, फिक्स बेड रिएक्टर में की जा रही हैं। अब यहाँ से हमने हीट एक्सचेंज कर ली, उसके बाद जो अपनी प्रोडक्ट्स फॉर्म हुई हैं, जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगी वेपर फॉर्म में होंगी, तब वेपर फॉर्म हॉट होगा उस, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको हीट एक्सचेंजर में ले जाना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर और कंट्रोल करने पड़ेगा। यहाँ पे जो टेम्परेचर हम लोग कंट्रोल कर रहे थे कि टेम्परेचर रिएक्शन के अंदर ज़्यादा ना हो जाए, और वहाँ पे फिर साइड रिएक्शंस होने लगेंगी, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम होने लगेगा, और CO2 और H2O का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कंट्रोल कर रहे थे टेम्परेचर, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल था, कूल प्रोडक्ट नहीं हुआ था। अब हम लोग को प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। कूल करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग हीट एक्सचेंजर में ले जाएंगे। तो हीट एक्सचेंजर में ये हो सकता है कि हीट एक्सचेंजर में हम लोग वाटर से कूल कर रहे हों, लेकिन जो हीट एक्सचेंजर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लोग, वो इंटीग्रेटेड हीट एक्सचेंजर है। इंटीग्रेटेड हीट एक्सचेंजर का क्या मतलब हुआ, कि वो जो प्रोसेस से ही कोई एक स्ट्रीम निकल रही होगी, उसी से हम लोग इसको कूल कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग हीट एक्सचेंजर में ले गए, हीट एक्सचेंजर में जो है एक स्ट्रीम आ रही होती है, जो वेपर स्ट्रीम होती है, जो बेसिकली आपका रिएक्टेंट अनरिएक्टेड कंपाउंड्स रहते हैं उसमें, या थोड़ा बहुत प्रोडक्ट भी रहता है, तो उससे हीट करते हैं, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन 250 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो उसको हम लोग रिसाइकल कर देते हैं। रिसाइकल जो भी हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था कि एयर और एथिलीन के साथ हम लोग रिसाइकल यूज़ करते हैं,
तो अनरिएक्टेड जो गैसेस आ रही होंगी या उसमें हो सकता है कुछ आपका कुछ प्रोडक्ट भी हो, क्योंकि कंप्लीट सेपरेशन नहीं होता तो कुछ प्रोडक्ट भी होगा, तो उसको हम लोग रिसाइकिल कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग एयर यूज़ कर रहे हैं, इस प्रोसेस में एयर यूज़ कर रहे हैं तो नाइट्रोजन भी होती है, वो अनरिएक्टेड होती है, इनर्ट होती है, आर्गन होती हैं वो भी इनर्ट होती हैं। तो अगर हम सारी रिसाइकिल कर देंगे तो क्या होगा, इनर्ट्स का बिल्डअप स्टार्ट हो जाएगा। तो इनर्ट्स पता चला कि पूरे रिएक्टर में ज़्यादातर इनर्ट ही हैं, तो फिर रिएक्शंस मतलब कन्वर्जन हमारा कम हो जाएगा। तो इसलिए कुछ पार्ट जो है इसका पर्ज कर लेते हैं। पर्ज करने का मतलब हम लोग उसको गैसेस हैं तो पर्ज यूज़ करते हैं, इसमें बाहर स्ट्रीम से बाहर निकाल लेते हैं, इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज कर देंगे। अगर हार्मफुल नहीं है तो हार्मफुल है तो उनका ट्रीटमेंट करने के बाद उसको स्टोर कर लेंगे, इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज कर देंगे। उसके अप्लिक डिपेंड करता है कि कितना उपयोगी है हमारे लिए। तो हीट एक्सचेंज किया हम लोगों ने, हीट एक्सचेंज करने के बाद फिर हम लोग जो आपकी ये गैसेस थी, प्रोडक्ट थी, जो इफ्लुएंट प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट टॉप से निकला था, उसको हमने हीट एक्सचेंज किया। उसके बाद कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद हम लोग इसको एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि जो एथिलीन ऑक्साइड बनी है उसको रिमूव करना एक जो है ना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो अब उसको कैसे हम लोग रिमूव करेंगे, तो उसको हम लोग वाटर में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वाटर में एब्जॉर्ब करने से पहले हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं। अब कंप्रेस क्यों करते हैं, बिना कंप्रेशन के क्या एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर टेम्परेचर जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, अगर टेम्परेचर कम रखें और प्रेशर ज़्यादा रहे तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ज़्यादा जो है इफ़िशियंट होता है। तो इसलिए हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं गैसेस को। कंप्रेस करके हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन टावर में ले जाएंगे। वाटर एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होगा कि आपकी वाटर ऊपर से पास करेंगे, इसमें वाटर पास करेंगे तो टेम्परेचर इसका स्ट्रीम का थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और क्या होगी, इथिलीन ऑक्साइड जो हमारा टारगेट प्रोडक्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसमें कुछ हैवियर प्रोडक्ट्स भी होंगे, कुछ और भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो इस प्रोसेस में जनरेट हो रहे हैं, लेकिन मेनली जो है ना इथिलीन ऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो एथिलीन ऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गया, जो गैसेस हुई, जो वेपर्स हुई आपकी, जो एथिलीन हो सकती है, अनरिएक्टेड एथिलीन होगी या वाटर वेपर होंगी, वो जो है ऊपर से टॉप से हम लोग उसको ले जाएंगे और वही जो कूल हुई थी वही हमने हीट एक्सचेंज में अभी यूज़ किया था। तो वाटर एब्जॉर्बर के बाद जो है जो आपका ये लिक्विड पोर्शन निकला उसको हम लोग फिर से हीट एक्सचेंज करते हैं। लेकिन फिर कौन सा हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं, हम लोग इंटीग्रेटेड हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं। जो इंटीग्रेटेड हीट एक्सचेंजर यूज़ करेंगे उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो ये गैस यहाँ से ये निकला था उसको हम लोग डिजॉर्प्शन यूनिट में ले जाएंगे, क्योंकि एब्जॉर्ब हुआ है जो वाटर, तो अब उसको रिमूव करना है हम लोग। एथिलीन में जो वाटर एब्जॉर्ब हुई है तो उसको हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा। तो एब्जॉर्प्शन के बाद जो लॉजिकल स्टेप क्या होता है कि हीट एक्सचेंज करने के बाद हम लोग डिजॉर्प्शन यूनिट में ले जाएंगे। तो ये यहाँ पे दो अलग अलग कलर शो किया गया है, जो ब्लू कलर है वो आपकी वेपर स्ट्रीम है, ये जो लिक्विड स्ट्रीम है, यहाँ पे हमने वाटर से हीट एक्सचेंज किया इंटीग्रेटेड हीट एक्सचेंजर से, और उसके बाद इसको कहाँ पर भेजा आपका डिजॉर्प्शन यूनिट में। डिजॉर्प्शन यूनिट में क्या होगा कि आपके जो हैवियर प्रोडक्ट्स हैं, डिजॉर्प्शन में क्या वाटर था यहाँ पे, तो वाटर जो है वाटर डिजॉर्ब हो जाएगा, मतलब इथिलीन डाइऑक्साइड आपकी डिजॉर्ब हो जाएगी। तो इथिलीन डाइऑक्साइड को हम लोग ऊपर ही हीट एक्सचेंज करके मतलब कंडेंसर के थ्रू हम लोग दूसरे यूनिट में ले जाएंगे। यहाँ से क्या है, वाटर एब्जॉर्ब किया था तो वाटर जो है यहाँ पे रिमूव हो जाता है डिजॉर्प्शन यूनिट में। तो वाटर रिमूव हो जाएगा तो वाटर को फिर हम लोग वाटर एब्जॉर्बर टर्मिनल में टावर में ले जाएंगे, क्योंकि वहीं से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हम लोग करा रहे थे। तो वाटर, अब इसके बाद जो यहाँ पे क्या हुआ, टॉप प्रोडक्ट जो इथिलीन रिच स्ट्रीम है इसको अब हम लोग भेजेंगे स्ट्रिपर में। स्ट्रिपर में क्या होगा कि स्ट्रिपर में हम लोग जो इथिलीन ऑक्साइड है और लाइट एंड से सेपरेट कर लेंगे, जो लाइटर एंड होंगे इस प्रोसेस में। इथिलीन ऑक्साइड में क्या हो सकता है, वाटर होगा, वाटर वेपर्स अगर हैं तो वो लाइट एंड हैं, या दूसरे भी कंपाउंड्स हो सकते हैं लाइट एंड हों, तो उनको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग कहाँ पे ले जाते हैं, स्ट्रिपर में। लेकिन स्ट्रिपर से पहले जो है ना उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं एक बार और। वो कंप्रेस करते हैं हम लोग ऑलमोस्ट 3 to 4 ATM पे।
तो स्ट्रिपर में क्या करती हैं, डिजॉल्व होती हैं, वहाँ पर एयर जनरेट करती हैं स्ट्रिपर में, एथिलीन ऑक्साइड जो है यहाँ से लाइट एंड आपके रिकवर हो जाएंगे, और जो एथिलीन ऑक्साइड रिच जो स्ट्रीम होगी उसको हम लोग डिस्टिलेशन टावर में या रिफाइनिंग टावर में ले जाएंगे। रिफाइनिंग टावर में क्या होता है बेसिकली, इसमें उसके पहले जो कंप्रेसर यूज़ किया था वो इसका बेसिक पर्पज़ ये था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ना इन्हांस कर दे, तो बॉइलिंग पॉइंट इन्हांस कर देगा ना, तो फिर जो वाटर एज ए कूलेंट यूज़ कर रहे थे या वाटर एज ए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में यूज़ कर रहे थे, उससे सेपरेशन आपका ज़्यादा बेटर होगा। तो डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाते हैं, ये कहिए कि इसको आप रिफाइनिंग स्टील कह सकते हैं, वहाँ पे आपके जो एथिलीन ऑक्साइड है वो रिमूव हो जाएगी लाइटर प्रोडक्ट में, जो हैवियर प्रोडक्ट होंगे, हैवी एंड के प्रोडक्ट्स होंगे वो नीचे से हम लोग ऑब्टेंड कर लेंगे। तो इस तरह हम लोग को एथिलीन ऑक्साइड इस प्रोसेस से डायरेक्ट ऑक्सीडेशन प्रोसेस से मिल जाती है। तो बेसिक प्रोसेस क्या था, हम लोगों ने जस्ट 2-3 मिनट में एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एयर थी, एथिलीन थी, हम लोगों ने सेपरेटली कंप्रेस किया था, उसके बाद जो रिसाइकिल होके आ रही थी अनरिएक्टेड एथिलीन होगी या और प्रोडक्ट्स जो उसमें हो सकते हैं, जो जैसे H2O वेपर है या आपका एथिलीन ऑक्साइड भी हो सकता है, वो उसको साथ में मिक्स करके हम लोग ले जाते थे रिएक्टर में। रिएक्टर में सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ट्यूब के थ्रू पास करते हैं, इसमें सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट होता है, वो एलुमिना पे डिपॉजिट, एलुमिना एज ए करियर यूज़ करते हैं सिल्वर ऑक्साइड के लिए, वहाँ पे रिएक्शन होती है, रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होती है, तो एक्सोथर्मिक है तो हम लोग को हीट कंट्रोल करना पड़ेगा। हीट कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते थे, डाउन थर्म फ्लूड यूज़ करते थे। डाउन थर्म फ्लूड क्या होता था, मिक्सचर्स होता था किसका, बाई फिनाइल ऑक्साइड एंड डाई फिनाइल ऑक्साइड का, बाई फिनाइल एंड डाई फिनाइल ऑक्साइड का एक आपका ये मिक्सचर होता था, ये 300 डिग्री सेल्सियस तक सफिशियंटली स्टेबल होता है, तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल रखता है हीट को, ये टेम्परेचर रिएक्शन का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज नहीं करने देता, इसलिए साइड रिएक्शंस कम होंगे, साइड रिएक्शंस कम होंगे तो CO2 का फॉर्मेशन कम होगा। उसके बाद जो ये आपकी ये आप ये हॉट डाउन थर्म फ्लूड जो निकला था उसको हम लोगों ने उसको हीट एक्सचेंज कर लिया था, फिर कूल कर लिया था, कूल किससे किया था, वाटर को यूज़ किया था, वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर इसको बोलते हैं, इस यूनिट का नाम वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर है। तो इसमें हमने इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर लिया, तो स्टीम को फर्दर दूसरे प्रोसेसेस में या जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब वहाँ से जो इफ्लुएंट गैसेज निकली थी रिएक्टर से उसको पहले हम लोगों ने कूल किया था इंटीग्रेटेड हीट एक्सचेंजर में, उसके बाद अनरिएक्टेड वेपर स्ट्रीम कहाँ से किससे कूल किया था, जो अनरिएक्टेड वेपर स्ट्रीम निकली थी कहाँ से, एब्जॉर्प्शन टावर से निकली थी, वहीं से हमने कूल किया था, और जो अनरिएक्टेड वेपर स्ट्रीम थी ये कूल होने के बाद ये यहाँ से हॉट हो जाएगी क्योंकि हीट एक्सचेंज हो रहा है, तो ज़्यादातर पोर्शन इसका रिसाइकिल कर देंगे, कुछ पोर्शन जो है ना पर्ज कर देते हैं। पर्ज इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन भी अवेलेबल है, नाइट्रोजन भी है क्योंकि एयर यूज़ कर रहे हैं और आर्गन भी प्रेजेंट होता है, तो ये इनर्ट है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन वो प्रेजेंट रहेंगे तो अपनी यील्ड कम होती जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे इनर्ट कर दिया, इसको वो कर दिया था हम लोगों ने, पर्ज कर दिया था। तो इसको कहाँ पे ले जाएंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन टावर में ले जाएंगे। वाटर एब्जॉर्प्शन टावर में क्या करेंगे, वाटर यूज़ करते हैं, वाटर जो होता है एथिलीन ऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, एथिलीन ऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, फिर हीट एक्सचेंज करके इसको जो अब एब्जॉर्ब हुआ है उसको बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, डिजॉल्व करना पड़ेगा। डिजॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, डिजॉर्प्शन यूनिट में ले जाएंगे, वहाँ पे अपना वाटर सेपरेट हो जाएगा, वाटर को फिर हम लोग यूज़ कर लेंगे कहाँ पे, एब्जॉर्प्शन के लिए, और जो आपका जो मेजर प्रोडक्ट जो एथिलीन ऑक्साइड लाइट एंड्स वगैरह जो हैं उसको हम लोग कंप्रेस करके एक स्ट्रिपर यूनिट में ले जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे नहीं ले जा रहे हैं, डायरेक्ट रिफाइनिंग स्ट्रिपर यूनिट बीट में क्यों ज़रूरत पड़ गई, हम लोग तो डायरेक्ट रिफाइनिंग में ले जाते हैं कि क्योंकि यहाँ पे लाइट एंड होते हैं ना, वेपर्स वगैरह होती हैं, वेपर्स फॉर्म हो रही हैं, वाटर वेपर फॉर्म हो रही हैं, तो उसको मतलब एक स्टेज में सेपरेट नहीं हो पाता है, जैसे डिजॉर्प्शन टावर सफिशियंट नहीं है वाटर को सेपरेट करने के लिए, हाँ लिक्विड वाटर सेपरेट हुआ, जो वेपर्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग को स्ट्रिपर यूनिट में ले जाना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रिपर यूनिट का यूज़ हुआ। कंप्रेसर के यूज़ हमने किया, कंप्रेसर इसलिए यूज़ किया कि बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं उनका इन्हांस कर दें, रेज कर दें, जिससे डिस्टिलेशन यूनिट में जो इसके बाद हम लोग ले जाएंगे रिफाइनिंग यूनिट में वहाँ पे सेपरेशन जो है ईजी हो।
तो इस ट्रिपर यूनिट में क्या होंगी, लाइट एंड वाटर वेपर वगैरह सब यहाँ से रिमूव हो जाएंगी टॉप से, और जो आपका इथिलीन ऑक्साइड कंटेनिंग जो आपका होगा वो नीचे से बॉटम से ले जाएंगे हम लोग रिफाइनिंग स्टील में। रिफाइनिंग स्टील में क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिस्टिलेशन टावर टाइप का होता है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस पे जो है ये आपका एथिलीन ऑक्साइड है, और हैवियर एंड्स सेपरेट हो जाएंगे एथिलीन ऑक्साइड को हम लोग टॉप से ऑब्टेन कर लेते हैं। यही हमारा प्रोडक्ट है इस प्रोसेस का। तो इस तरह हम लोग एथिलीन से ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू, एयर के ऑक्सीडेशन के एथिलीन डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से हम लोग एथिलीन ऑक्साइड प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये एथिलीन ऑक्साइड जो दूसरा आपका डेरिवेटिव था एथिलीन का, आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो एथिलीन के डेरिवेटिव्स जो है कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोपिलीन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे।